एक चीज़ कह सकते हो, अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप सिर्फ इस चेयर को एक मकसद के लिए लेना चाहते हैं, भाई आपने कूल लगना, यो मैन कूल, तो फिर आप इसको ले लें। हर एक यूट्यूबर तो उसकी एक विश लिस्ट में एक चीज़ गेमिंग चेयर होती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से वो गलती ना हो, आप लोगों का नुकसान ना हो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आप सत श्री अकाल और हेलो, आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम बिल्कुल फिट फाट हैं। और सनी देओल का लास्ट मैंने ओल्डेस्ट गोल्ड अकेले जो किया था, बेगम उसमें नहीं थी, तो उसमें ना आपने कहा कि यार सनी पाजी का रिएक्शन किया बड़ा अच्छा लगा, तो कुछ लोग कह रहे थे यार 2.5 किलो का हाथ, जो बड़ा फेमस सनी, मतलब सनी देओल का डायलॉग है, वो किसी, मतलब कोई ऐसा बंदा होगा जिसको ना पता हो। ये दामिनी मूवी का डायलॉग है बेसिकली। दामिनी मूवी हमने देखी हुई है, बहुत बार देखी हुई है, तो हमें रटी हुई है उसका, खास तौर पे वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो बहुत कमाल का सीन था। तो आज इसको हम फिर देखने जा रहे हैं, 2.5 किलो के हाथ वाले सीन को, और इस पर हम डिस्कशन करेंगे देखने के बाद। तो लेट्स स्टे विद अस। मुझसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद, कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंदरजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते देखा है क्या? कुछ तारे ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है एक छोकरी की इज्जत के लिए। ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्ढा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द से लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। और हाँ, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। रिलैक्स कमाल है यार, बहुत कमाल है। दोनों अपनी जगह पे, विलन की एक्टिंग कमाल, चड्ढा जो जिस तरह यूं जुल्फें चटकाते हैं ना, और जिस तरह सनी देओल का एक वो है ना, आज भी लोगों के दिल में है यार, इनका वाकई में हाथ क्या 2.5 किलो का ही है, और इतने पावरफुल डायलॉग्स थे। और वो सबसे पहला जब स्टार्ट हुआ था, जब चड्ढा निकल, तो सनी देओल सिगरेट अपने लिप्स पे लगा के फिर मुंह में डाल के, वो स्टाइल बड़ा अच्छा था। और फिर जिस तरह जो डायलॉग हुए है ना, डायलॉग डिलीवरी दी गई है,
तो वो ये विलन बने अमरीश पुरी या एक पॉजिटिव रोल करें वो कमाल का करते हैं। और जिस मुझे याद है वो भाग सिमरन भाग वाला, वो भी बहुत मजे का था। तो ये जिस तरह अपनी आंखें करते हैं और जिस तरह सनी देओल ने फिर जोश आया ना उनको, वो जो तलवार निकाल रहा था उसको बोला कि खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं लेकिन जिगर जो है ना, जो जिगर वो मर्द पैदा लेके होता है, ऐसे नहीं ये कोई भी चला सकता। 2.5 किलो का हाथ जब किसी भी पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है वो, इनके अलावा कोई नहीं बोल सकता उस तरह से। और वो बिजली के तार वाला डायलॉग बड़ा पावरफुल था, तो कमाल है। चड्डा ने बोला वो डायलॉग रस्सी चल गया पर बन नहीं गया, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। तो यार ये फिल्में ये डायलॉग्स, और हाँ एंड में एक और मजे का था डायलॉग के, जज ऑर्डर करता रह जाएगा, तू पिटता रह जाएगा अगर तूने कोई बदतमीजी की। बहुत कमाल था, तो मजेदार था यार बड़ा। और पुरानी फिल्में एक अपनी बात है उनकी, और इसको देख के वो हमारा ओल्डेस्ट गोल्ड मुझे याद आता है कि हमने वो शुरू किया और आपको बहुत पसंद आया। आप लोग देखें तो इसमें एक मैसेज भी है कि मतलब जो लोग जो गरीब लोग होते हैं उनके मुंह बंद करने के लिए जो उन्हें पैसे दिए जाते हैं, मतलब इस चीज़ में अगर आप गौर करें सब चीज़ों के अलावा तो इसमें मैसेज भी है। पुरानी मूवीज में मैसेज होता था, स्टोरी होती थी, जो अनफॉर्चुनेटली आजकल मिसिंग है। खैर जी, हमें बहुत अच्छा लगा और हमने मूवी बहुत बार देखी है, रटी हुई है, तो इतनी फिट है। और सनी देओल के खासतौर पे सीन्स मुझे बहुत पसंद है और चड्डा के। तो खैर आपको अच्छा लगा रिएक्शन तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, व्लॉग चैनल को जाके ढेर सारा सपोर्ट करें और उसको भी सब्सक्राइब, लेटेस्ट वीडियो भी आ गई वो भी जाके देखें। और वीडियोस अगर आप चाहते हैं अनबॉक्सिंग की, फूड रिव्यूज़ की या व्लॉग्स, तो हम वो भी लेके आते रहेंगे। तो जी इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें लेटेस्ट फोटोज और अपडेट्स के लिए। हम लोग एक और रिएक्शन लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।